मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है और मैं सेल्स ट्रेनर हूं ICICI फाउंडेशन में। आज हम देखेंगे अलग अलग तरह के चेक्स। अब हम आगे बात करते हैं ओपन चेक या बैरर चेक के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चेक सिंपल है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है एक्स्ट्रा। आप देखेंगे यहाँ पे पेई है, अमाउंट है और डेट है चेक का। इसे हम ओपन चेक कहते हैं, या आप यहाँ पर देखोगे तो बैरर लिखा हुआ है, और बैरर या धारक को। अगर ये चेक अजीत कुमार ब्रांच में जाके या बैंक में जाके इसे प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर अजीत कुमार को ये चेक प्रेजेंट करने में 20,000 रुपीज का कैश उनको पे कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू। अजीत कुमार अगर चाहे तो ये अमाउंट कैश में ले सकते हैं, वरना वो अपने अकाउंट में ये अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर जैसे हमने बताया बैरर चेक, इसे हम रिस्की चेक भी कहते हैं। इसे रिस्की चेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैरर यानी कि कोई भी किसी के भी हाथ में ये चेक लग जाएगा, वो इजीली जाके बैंक में प्रेजेंट करके कैश ले सकते हैं। तो इस तरह के जो चेक होते हैं वो रिस्की चेक होते हैं। तो अभी हमने देखा कि ओपन चेक और बैरर चेक क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चेक की बात करेंगे, तो अगला जो हमारा चेक होगा वो होगा क्रॉस चेक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहला चेक ओपन या बैरर चेक इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हुए थे। अब जैसे कि मैं ये चेक अजीत कुमार को दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है 20,000 ये सिर्फ अजीत कुमार को मिले, इसके लिए यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं क्रॉस चेक कर दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा अकाउंट पेई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये जो चेक है सिर्फ अजीत कुमार को ही मिलेगा, यानी कि जो अमाउंट है वो सिर्फ अजीत कुमार को ही मिलेगा और उनके अकाउंट में ही जाएगा। अजीत कुमार अब ये 20,000 जो है वो कैश में बैंक से नहीं ले सकते, ये चेक उन्हें वहां सबमिट करना पड़ेगा और विद इन 24 to 48 hours के अंदर ये 20,000 अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो चेक होते हैं उन्हें हम अकाउंट पेई चेक कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। अब पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पोस्ट डेट से आपको पता चलता है कि आगे की डेट, आगे की तारीख। अब मान लीजिए कि आज की जो डेट है वो है 10 अक्टूबर 2020 और मैं किसी को ये चेक देते वक्त उसमें जो चेक की डेट लिखता हूँ वो लिखता हूँ 20 अक्टूबर 2020, यानी कि मैंने जो डेट यहाँ पे एंटर किया हुआ है वो 10 दिन बाद की है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 20 अक्टूबर 2020, तो ये चेक अजीत कुमार 20 अक्टूबर के पहले इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें ये चेक 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के बाद बैंक में प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह के जो चेक होते हैं ऐसे चेक्स को हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं।